हेलो एवरीवन, आई आई मास्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन सो आज के इस वीडियो में हम एक न्यू वैकेंसी देखेंगे जो कि आई या इफको की तरफ से ये वैकेंसी है जी ई वैकेंसीज। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी एंड इसमें अगर हम बात करें पर मंथ आपको पैंतीस हजार रुपए यहां पर दिए जाएंगे एज ए स्टाइपिंग ओके सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो में बने रहिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी चलिए स्टार्ट करते हैं So, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये यहाँ नोटिफिकेशन है और इसके थ्रू हम सारा देखेंगे जिसमें सबसे सब पहले आप यहाँ एज देख लीजिए अपर एज लिमिट थर्टी ईयर रहेगी तीस साल अपर एज लिमिट है एक जुलाई 2024 से आपकी एज देखी जाएगी एंड इसमें पाँच साल का रिलैक्सेशन एस सी एस टी कैंडिडेट को और तीन साल का ओ बी सी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा लोकेशन आपकी जो रहेगी वो यहाँ एट एनी ऑफ द इको प्लांट जहाँ भी लोकेटेड होंगे वहां पर आपको मीन्स ऑल इंडिया में कहीं भी जहाँ भी इनके प्लांट है वहाँ पर आपको जॉब या लोकेशन आपको दी जा सकती है अब ये अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं एंड इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर इन अप्रेंटिस वैकेंसी या हम कह सकते हैं इसको तो आप इसमें आ, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो फोर ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में अगर आपने की हुई है जिसमें आपका केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब आप इसमें आपका जो परसेंटेज है जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट का तो मिनिमम 60 परसेंट से पास आउट होना चाहिए और एस सी को फिफ्टी मार्क्स से होना चाहिए कैंडिडेट हुए पास देयर डिग्री इन टू एंड देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई जिन्होंने 2021 या 2021 के बाद में किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने 2024 में मींस इसी साल अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड देखेंगे तो अप्रेंटिसिप के लिए आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है ये वन ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा एक साल का आपका ये अप्रेंटिसिप रहेगी यहाँ पर ओके एंड स्टेप एंड आप देख रहे हैं स्टेप एंड आपको एंड अदर बेनिफिट्स विल बी पेड एज पर रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इसमें आपका पर मंथ पैंतीस हजार यहाँ पर आपको दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर में एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा उसके लिए आपको यहाँ शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड ये जो आपका एग्जाम होगा बाय यूजिंग देयर ऑन रिसोर्सेज कंप्यूटर लैपटॉप विथ इंटरनेट फैसिलिटी ये आपका खुद का रहेगा तो इसमें ये टेस्ट वगैरह का दिया है खुद के अरेंजमेंट पर ये थोड़ा सा चलिए दिस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अब आपका जो प्री ऑनलाइन टेस्ट रहा है ये आपका ये ऑनलाइन टेस्ट रहेगा ये आपका जो प्री ऑनलाइन टेस्ट रहेगा इसके बाद आपको यहाँ पर डिजाइन सेंट्रल एट अहमदाबाद बेंगलुरु भुवनेश्वर चंडीगढ़ चेन्नई देहरादून ये सिटीज दी गई हैं पटना मुंबई लखनऊ कोलकाता जयपुर इंदौर हैदराबाद ये दी गई है द फाइनल फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एट डेजिग्नेटेड सेंटर एट तो ये सेंटर्स यहां पर दिए गए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ओके द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एनी टू टेस्ट सेंटर आप इनमें से कोई दो टेस्ट सेंटर को ऑप्ट कर सकते हैं आप प्रेफरेंस दे सकते हैं इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा देखिए जो आपका एग्जामिनेशन होगा ना उसके बाद आपका फाइनल एक पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ठीक है अब अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दी गई है आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो इकतीस जुलाई है इकतीस जुलाई तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए की वैकेंसीज है फुल टाइम बैचलर डिग्री जिन्होंने ली हुई हो उनके लिए ये वैकेंसी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार आई एफ एफ सी ओ की वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू